that little mouse, cause I'm an albatross. आपने कभी अपना आधार कार्ड का यूज़ सिम खरीदने में, पैसे निकालने में और भी बहुत सारे जगहों में किया है? अगर किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपना आधार कार्ड का यूज़ किस डेट में या किस टाइम में किया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं डेसी टेक चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें गूगल पर सर्च करना होगा uidai.gov.in। ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। UIDAI पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। हमें आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का पेज ओपन हो गया है। हमसे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें अपना 12 डिजिट का आधार नंबर पुट करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आधार नंबर पुट करने के बाद सिक्योरिटी कोड पुट करना है। सिक्योरिटी कोड पुट हो जाने के बाद हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये सब हो जाने के बाद और भी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ डेट पुट करना है। एक बात का ध्यान रखें, आप सिर्फ 6 महीना का हिस्ट्री ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, आपको दिखा देता हूँ कि 6 मंथ का ही इसमें हिस्ट्री दिखता है। 16 मार्च 2018 से 16 सितंबर 2018 तक। यहाँ पर आपको सिर्फ डेट पुट करना है। एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ 6 मंथ का हिस्ट्री ही चेक कर सकते हैं। हमारा डेट पुट हो गया है। अब हमसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मांगा जा रहा है। इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें सिर्फ मैक्सिमम 50 रिकॉर्ड्स ही अलाउड है। तो मैं यहाँ 50 नंबर पुट करता हूँ। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पुट करने के बाद अब हमें जो OTP प्रोवाइड हुई है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो OTP आएगी वो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर कराया है उसी में ये OTP जाएगी। मैं अपना OTP पुट करता हूँ, मेरे नंबर पे आ चुका है। OTP पुट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी पूरी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री दिखेगी, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, हमने डेट सेलेक्ट किया था 16/3/2018 से 16/9/2018। मैंने कहाँ कहाँ अपना आधार यूज़ किया है, ये सारी हिस्ट्री यहाँ से दिख रही है। हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको PDF के फाइल में आ जाएगा। ओके कीजिएगा। यहाँ पर आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कीजिएगा, ओके कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।